हेलो स्टूडेंट, क्लास ऑफ अचीवर्स में आपका स्वागत है। और हम सोल्व कर रहे थे क्लास एट्थ की एक्सरसाइज 13.2। आज इसका क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसको सोल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन के स्टेटमेंट बोलते हैं, ए फार्मर हैज इनफ फूड टू फीड 20 एनिमल्स इन हिज कैटल फॉर 6 डेज। तो यहाँ पे आता है कि भाई 20 जानवरों का जो खाना वो इतना पर्याप्त है कि 6 दिन चल जाएगा। अब बोलता हाउ लॉन्ग वुड द फूड लास्ट इफ देयर वर 10 मोर एनिमल। तो अब 10 एनिमल उसमें और आ गए। तो पहले कितने थे, देखिए 20 थे, तो 10 और आ गए तो अब बन गया 30। ठीक है, तो खाना जो है एनिमल्स का वो कितने दिन चलेगा, हमें नहीं पता कितने दिन चलेगा, तो हमने मान लिया एक्स। अब इसको भी ये जो जैसे हमने फोर्थ वाला करा था बिल्कुल वैसे ही होगा, 20 × 6 = 30 × x। अब आती है बात भाई इसमें क्यों लगेगा, ये मल्टीप्लाई क्यों हुआ, अपोन में क्यों नहीं आया, तो वो इसलिए नहीं आया। देखिए क्योंकि मान लीजिए जितने भी जानवर होंगे तो कितने भी दिन खाना चला, लेकिन क्वांटिटी तो उसकी सेम ही रही ना। मान लीजिए वो खाना था 100 किलो, तो 100 किलो से तो अमाउंट को तो हमने बढ़ाया नहीं ना, हमने तो सिर्फ क्या करा यहाँ पे एनिमल नंबर ऑफ एनिमल जो वो बढ़ा दिया, तो दिन अपने आप ही घट जाएंगे क्योंकि क्वांटिटी तो उतनी ही रही। तो यहाँ पे भी अब यहाँ जो है एक जानवर मान लो खाता 1 किलो खाना, तो यहाँ पे 20 किलो खाना इनको चाहिए, तो इस हिसाब से 6 से मल्टीप्लाई करा तो 120 किलो खाना है वो, तो यहाँ पे भी वो 120 ही किलो खाना बंट रहा है इनमें, तो इसलिए मल्टीप्लाई करेंगे इसको। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 अपोन में आ जाएगा, तो x हो जाएगा 20 × 6 / 30, तो 6 × 5 = 30, 5 × 4 = 20, तो x हो गया 4। तो जो खाना जो चलेगा इनका, तो द फूड वुड लास्ट, तो कितने दिन चलेगा यहाँ पे, 4 दिन के लिए, तो ये इसका आंसर आएगा। तो मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा, अगर आपका अभी भी कोई डाउट होगा तो एक दो बार वीडियो को देखना, समझ आ जाएगा। किसी और क्वेश्चन में डाउट रहेगा तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। और बाकी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।